हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस इज वैशाली हियर वंस अगेन। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए साउथ इंडियन एक्ट्रेस राशि खन्ना से इंस्पायर्ड हेयर स्टाइल लेके आई हूँ। सो फॉर द फर्स्ट लुक आपको निकालना है साइड पार्टीशन। हम टॉप से बालों को ग्रैब करेंगे, उसके पहले हम स्ट्रैंड निकाल लेंगे अपने फेस को फ्रेम करने के लिए। अब जो हमने सेक्शन ग्रैब किया है उसे पीछे की साइड ले जाके पिनअप कर देंगे। यहाँ पे हम तीन सेक्शन पे बालों को लेंगे और हर सेक्शन को पिनअप करेंगे अलग तरीके से। तो फर्स्ट सेक्शन मैंने लिया है और सिंपल तरीके से उसको बैक साइड पे पिनअप कर दी जाए। सेकंड सेक्शन हम लेंगे और जो फर्स्ट सेक्शन है उसके ऊपर से उसे ले जाके बैक साइड पे पिनअप कर देंगे कुछ इस तरीके से। थर्ड सेक्शन हम लेंगे, उसे ट्विस्ट करेंगे और उसे भी ट्विस्ट करने के बाद बैक साइड पिन अप कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने तीन सेक्शन लिए हैं अपने बालों के और उन तीनों को अलग अलग तरीके से पिन अप किया है। और मैंने हर पिन को क्रिस क्रॉस तरीके से लगाया है ताकि ये जो है वो हेयर स्टाइल जो दिन भर वो टिकी रहे। अब इसे करने के बाद हम दूसरी साइड में अपने बालों को लेंगे और उसे ट्विस्ट करते हुए बैक साइड पे पिनअप कर देंगे। यहाँ पे हम एक ही बार करेंगे, उसमें डिवाइड नहीं करना है हमें अपने बालों को। ये करने के बाद हम अपने सारे बालों को एक साइड लाएंगे और उन्हें डिवाइड करेंगे दो इक्वल सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन को हम लेंगे और पोनीटेल के अंदर कवर कर लेंगे। अब जो हमने पोनीटेल बांधी है उसमें हम लूप बनाएंगे और अपने सारे बालों को जो हमने पोनीटेल के अंदर कवर नहीं किए हैं उन्हें उस लूप के अंदर से निकाल लेंगे। अब जो हमने बालों को निकाला है उसकी पोनीटेल बनाएंगे। और अगेन इसमें एक लूप बनाएंगे और दूसरे सेक्शन को जो है उसके अंदर से निकाल लेंगे। इसको हमें फिर से रबर बैंड में कवर करना है। तो इसमें रबर बैंड्स जो हैं वो आपकी काफी लगने वाली हैं। फिर से लूप बनाएंगे और दूसरे सेक्शन को निकाल लेंगे। तो बेसिकली हमें लूप बनाना है और दूसरे सेक्शन को निकाल के उसको पोनीटेल के अंदर कवर कर देना है और जिसको कवर किया है उसमें लूप बना के दूसरे सेक्शन को उसको निकाल लेना है। इस तरह हम अपनी ब्रेड को बनाएंगे और एंड्स को सिक्योर कर देंगे रबर बैंड की हेल्प से। तो गाइज ये है आपका फाइनल लुक और ये था आज का फर्स्ट हेयर स्टाइल। ओके, मेरे स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं तो मैं उसे पिनअप से करके सिक्योर कर लूंगी। अगर आपके भी फ्लिक्स हैं तो आप भी इस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं उसे। तो ये आज के वीडियो का मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है, आपका कौन सा है कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को।
सेकेंड लुक के लिए ये बहुत ही बेसिक सा लुक है वैसे तो, बट मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ। तो हम यहाँ पे हाफ क्लचर लगाएंगे बालों को लेके, तो मैं यहाँ पे पूरे बालों को लेके ना, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर के बालों को लेके मैं ले रही हूँ और उसे क्लचर की हेल्प से सिक्योर करूँगी। तो इससे क्या है, आपके बालों को इंस्टेंट वॉल्यूम मिलेगा, आप देख सकते हैं। और आपके बाल जो हैं वो इतने अगर पतले हैं बहुत, तो अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो उससे आपके बाल पतले नहीं लगेंगे, थोड़े वॉल्यूमिनस लगेंगे। तो आप जब भी हाफ क्लचर लगाएं तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। और ये ट्रिक फॉलो करने के बाद कैसी लगी आपको ये कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इसी तरह के और भी आपको ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो ये है फाइनल लुक, आप देख सकते हैं इंस्टेंट वॉल्यूम बिना किसी एफर्ट डाले हमें मिला है। आप इसे ज़रूर एक बार फॉलो करिएगा। थर्ड लुक के लिए हमें साइड पार्टीशन निकालना है। हम आगे से बालों को ग्रैब नहीं करेंगे, हम पीछे से बालों को ग्रैब करेंगे 2 से 3 बार, उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे के बालों को ग्रैब करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन ग्रैब कर रही हूँ बालों को और दूसरे हाथ से उसे होल्ड करती जा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैसी लुक दिया हुआ है ब्रेड के अंदर, तो मैं ये स्टेप्स ले रही हूँ। तो मैंने एक साइड कर लिया है, दूसरी साइड मैं सेम करूँगी, पीछे से स्टार्ट करूँगी और देन आगे की तरफ आऊँगी। और इस तरीके से हम अपने आगे के बालों को सारे जो है वो इस तरीके से कवर कर लेंगे और एक छोटे से क्लचर या फिर पिन की हेल्प से उसे सिक्योर कर देंगे। मैं यहाँ पे क्लचर यूज़ कर रही हूँ जिससे भी पूरा दिन जो है वो होल्ड पे रहे। इसके बाद हम अपना जो है इस पुल आउट करेंगे बालों को और थोड़ा सा बैलेंस करेंगे जिससे वो एक तरीके इक्वल लगे, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना लगे। इसके बाद हम अपने सारे बालों को बैक साइड पे ले जाएंगे और नॉर्मल ब्रेड बनाएंगे 3 सेक्शन में डिवाइड करके। यहाँ पे आप कोई भी ब्रेड बना सकते हैं, लुक में जो है वो नॉर्मल ब्रेड है तो मैं नॉर्मल ब्रेड बना रही हूँ। नॉर्मल ब्रेड बनाने के बाद एंड्स को सिक्योर कर दीजिए रबर बैंड की हेल्प से। उसके बाद ब्रेड को थोड़ा सा पुल आउट करेंगे वॉल्यूम देने के लिए, क्योंकि ये मैसी लुक है पूरा का पूरा, तो आप थोड़ा सा मैसी ब्रेड को भी कर लीजिएगा अगर कट आप करना चाहते हैं तो। तो ये है आपका फाइनल लुक गाइस, और ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अपनी फेवरेट रिक्वेस्ट करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे DM या फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे स्टाइलिश, बाय बाय।